बोर्ड्स हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटी को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं एपीटी का? तो उसका जवाब मैंने ये दिया था कि एपीटी के केस में वो उन्होंने सादे किस्म की कुछ वो मतलब एक्शंस परफॉर्म करते हुए वो हैकिंग वगैरह नहीं करते, बल्कि वो थोड़ी सी जरा एडवांस लेवल की टेक्निक्स होती हैं, उनको जनरली सामने रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है फैसल, मैंने स्क्रीन शेयरिंग आपकी इनेबल कर दी, आप स्क्रीन शेयर जी मैम, करें और कंटिन्यू कर लें। थैंक यू मैम। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि टाइप ऑफ डेटा सेट, तो तीन तरह के डेटा सेट्स होते हैं। एक होते हैं रियलिस्टिक डेटा सेट, जो कि 100% रियलिस्टिक डेटा के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। वो डेटा अगर आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा है, तो वो आपने किसी एंटरप्राइज के किसी नेटवर्क की लाइव ट्रैफिक को कैप्चर किया होगा फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और देन उस डेटा सेट को फिर आप यूज करते हैं अपने फर्दर जो भी एनालिसिस या जो भी आपने काम करना होता है, तो ये कहलाता है रियलिस्टिक डेटा सेट। दूसरा इसके 100% ऑपोजिट होता है, वो होता है सिंथेटिक डेटा सेट। उसमें आप क्या करते हैं, आप नेटवर्क को सिमुलेट करते हैं और फिर उसके ऊपर ट्रैफिक को भी सिमुलेट करते हैं या सेल्फ जनरेट करते हैं डिफरेंट, उसमें वो लगा के जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक उसको जनरेट करवाते हैं, और फिर अटैक को भी आप सिमुलेट करते हैं, ठीक है, और देन उस डेटा को आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये रियलिस्टिक नहीं होता। और सेमी सिंथेटिक जो होता है वो इन दोनों का मुरक्कब होता है। इसमें आप क्या करते हैं कि आप जो नेटवर्क ट्रैफिक होती है वो तो रेगुलर होती है, लेकिन उसमें आप अटैक या जो भी आपका रिक्वायर्ड इस तरह का डाटा होता है वो आप इंजेक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं, देन उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और देन उसके बाद क्या होता है कि आप उसको फिर फर्दर डेटा सेट बना के यूज कर लेते हैं। तीन तरह की टाइप होती है डेटा सेट। अच्छा, नेटवर्क के केस में जो लाइफ साइकिल ऑफ द एपीटी अटैक होता है वो इस तरह से होता है कि आपके इनिशियल जो अटैकर होता है वो रिकनाइसेस करता है, रिकनाइसेस करने के बाद आपका वीक पहलू तलाश करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, और आपको इनिशियल कंप्रोमाइज करने के बाद अपना एक फुट होल्ड एस्टेब्लिश कर लेते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपने किसी हाई एग्जीक्यूटिव को ईमेल्स कर दी कुछ, उसमें से किसी एक ने गलती से उसके ऊपर क्लिक किया और उसके कंप्यूटर के अंदर लाइक उसका कोई लैपटॉप था तो उसमें वो मेलवेयर डाउनलोड हो गया और उसने उसके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब क्या होगा कि कल को जब वो ऑफिस में जाएगा और वहां जाके जब अपने ऑफिस के कंप्यूटर से वही नेटवर्क जोड़ के वहां पे अपना ऑफिस का काम शुरू करेगा, तो ऐसी सूरत में फिर अब आपका क्या हुआ है कि अब आपका एक पॉइंट आपके हाथ में आ गया, वो जो एग्जेक्टिव था उसका लैपटॉप, अब वहां पे आपका फुट होल्ड हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वहां से फिर अब आप क्या करेंगे कि वहां से आप मे बी उसके ऊपर की लॉगर्स लगा दें, वहां से उसके पासवर्ड गेट कर लें, गेट करने के बाद कोई आरडीपीस करते हुए जब ऑफिस गया हुआ है उन क्रेडेंशियल को इस्तेमाल करते हुए आप देखें कि किन किन सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, उन सर्वर के ऊपर उस क्रेडेंशियल से आप अलग से ट्राई करके देखें। इस तरह से आप अपनी प्रिविलेजेस जो एस्केलेट करते चले जाएंगे, एस्केलेट करने के बाद जो उसका इंटरनल नेटवर्क है उसकी डिस्कवरी करते चले जाएंगे, वहां से आप उनके सर्वर तक पहुंचेंगे, ठीक है, और इस तरह से ग्रेजुअली फिर आप मूव करते चले जाएंगे। और यहाँ पे एक बात इसका एपीटी के जो अटैकर्स होते हैं वो बड़ा ख्याल रखते हैं, वो ये करते हैं कि अगर आपने इनिशियल कंप्रोमाइज कर लिया है किसी भी तरीके से, उसके बाद वो नॉर्मली हर सिस्टम जिसको वो मतलब कैप्चर करते चले जाते हैं वहाँ पे अपना कोई एक अलग से बैक डोर इंप्लीमेंट भी कर देते हैं। उसका क्या फायदा होता है कि आपको पता है 0 डे वल्नरेबिलिटीज हमेशा 0 डे नहीं रहती, जो ही वो आशिकारा होती हैं तो उसका फिर पैच आ जाता है उस वेंडर की तरफ से ना। तो क्या होता है कि मे बी आपको आज आपके सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी है तो मैंने उसकी मदद से आपके सिस्टम को हैक कर लिया, कल जब माइक्रोसॉफ्ट उसका रिलीज करेगा पैच, तो अब क्या होगा कि दोबारा मैं 1 महीने के बाद आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाहूंगा उसी वे से, तो अब वो एक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि अब वो सिस्टम पैच हो चुका है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो जिस सिस्टम को हैक करते हैं साथ साथ उसके अंदर अपने एक अलग से कोई बैकडोर डालते चले जाते हैं, ताकि कल कलांक को अगर ये वल्नरेबिलिटी पैच हो भी जाती है तब भी उनके लिए एक और दरवाजा खुला रहे, उनका अपना जो बनाया हुआ दरवाजा है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी प्रेजेंस मेंटेन करते हुए फर्दर एस्केलेट प्रिविलेज और इस तरह से साइकिल उनका चलता रहता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक या तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इन्फॉर्मेशन मिलने का मतलब यह है कि अभी तक उनकी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं हुई, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जितनी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी वो उन्होंने कैप्चर कर ली, तो उसके बाद वो अपना वो जो अटैक है उसको खत्म कर देंगे कि हमें जो उनसे चाहिए था वो मिल चुका है तो खत्म हो गया। और तीसरा तरीका वही वाली बात है कि अगर वो अटैक डिटेक्ट हो जाता है
वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेगी, और देन वो जो आपका अटैक है, वो जो वो लाइफ है उस वाली एपीटी की, वो खत्म हो जाएगी। अब उनको क्या करना पड़ेगा, अपने उन मेथड्स में चेंज लानी पड़ेगी या नया एपीटी बनाना पड़ेगा और नए सिरे से इनको टारगेट करना पड़ेगा अगर वो स्टिल इंटरेस्टेड है उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा में। जबकि साइबर फिजिकल सिस्टम के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो इस तरह से होता है कि ये रिकग्नाइज करते हैं, उसके बाद क्योंकि डिवाइसेज होती हैं वहाँ नेटवर्क्स में, डिवाइसेज और कंट्रोल सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, कंप्यूटर्स नहीं होते उस तरह से जिस तरह से नॉर्मली होते हैं, तो वो करते हैं कि रिकग्नाइज करते हैं, उसके बाद स्कैनिंग करते हैं कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, उन डिवाइसेज की स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज होंगी, उनकी मदद से उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ पे अपना एक्सेस मेंटेन करते हैं, और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर डिसरप्शन पैदा करनी है, उसको ख़राब करना है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, वो साइकिल चलता रहता है तब तक जब तक उनका मिशन इनकम्प्लिश नहीं हो जाता। तो ये निस्बतन चूंकि ये मल्टीपल तरह की डिवाइसेज और ये चीज़ें नहीं है, इसकी वजह से इसका थोड़ा सा साइकिल जो है छोटा सा होता है। ठीक है, अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसकी अटैक मॉडलिंग की, जिसमें इन्होंने डिफरेंट तरह के एरियाज के ऊपर, मैम अभी वक्त कितना होगा प्लीज फैसल, आप कितना टाइम, आपकी कितनी स्लाइड्स और रहेगी? मैम वही बात है कि सर अब ये स्लाइड है, इसके ऊपर 15 मिनट भी लग सकते हैं अगर डिटेल में जाएं, और वैसे ही नहीं 15 मिनट नहीं लगाएं, बाकी पेपर से पढ़ लेंगे। हाँ, वो पेपर से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। हाँ, मेरा ख्याल है 5 मिनट्स ऑलमोस्ट, 5 मिनट में इसको मैंने, हाँ बिल्कुल, इसको 5 मिनट्स। प्रेजेंटेशन आपने अच्छी बनाई है, गुड जॉब, अच्छी, और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो खुद आपसे सीख रही हूँ आज। यस, बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ, ये मेरी तो वन वे कम्युनिकेशन ज्यादा होती है, आप लोग बोलते नहीं है तो, लेकिन ये कि आपसे क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं। चलें कंटिन्यू करें 5 मिनट्स और। और प्लीज फैसल भाई ऐसा करें कि ये माउस से जरा पॉइंटर से बताते जाएं, थोड़ा सा वो पता नहीं चलता आप किधर हैं। हाँ ठीक है भाई, चले इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बारो बारी। अच्छा, इसमें इस तरह है कि इस साइड के ऊपर, अब आपको माउस नजर आ रहा है ना, ये जो आपकी लेफ्ट वाली साइड है, इसके ऊपर नेटवर्क ट्रैफिक लिखा हुआ है, फिर प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, फिर डाउनलोड लिखा हुआ है, फिर ईमेल लिखा हुआ है। इसमें वो बता रहे हैं कि जो यूजर्स हैं नेटवर्क के या आपके सिस्टम के, वो किन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो जो हमने नेटवर्क के केस में पूरे अटैक का वो एक लाइफ साइकिल देखा था ना, उस लाइफ साइकिल में कौन कौन सी चीज़ इनमें से किस किस लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन के ऊपर अप्लाई होती है, कि जहां से वो काम स्टार्ट हो सकता है, कैसे इनिशियल कंप्रोमाइज है। कि आप, मैंने कहा था कि वो लोग सबसे पहले किसी एग्जांपल दी थी कि किसी एग्जीक्यूटिव को टारगेट करते हैं और उसकी मदद से उसको वो मतलब उसके सिस्टम में सबसे पहले फुट होल्ड अपना इनिशियल बनाते हैं, तो उसमें वो कैसे कर सकते हैं। नेटवर्क ट्रैफिक के केस में क्या होगा कि वो आपको सस्पिशियस ईमेल भेजेंगे, आपकी कोई वेबसाइट वगैरह के ऊपर आपको रीडायरेक्ट करवाएंगे जहां से वो इनिशियल मैलवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए प्रोटोकॉल के केस में यहाँ पे इनिशियल कंप्रोमाइज में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, डाउनलोड के केस में हो सकता है, क्या हो सकता है कि जाहिर है जब आप क्लिक करेंगे किसी उल्टे सीधे लिंक के ऊपर, तो वहाँ से कोई ना कोई वॉर्म, कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई ट्रोजन वगैरह आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ईमेल के केस में क्या होगा कि वहाँ पे वो आपको फेक बिजनेस ईमेल भेजी जाएंगे और कहा जाएगा कि आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, स्टोरेज मीडिया के थ्रू भी आपके कंप्यूटर वायरस आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सीडी या आपको कोई यूएसबी देता हूँ और आप अपने सिस्टम में लगाते हैं, तो आपके सिस्टम में वो मलिशियस फाइल ट्रांसफर हो जाती है, आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आप एग्जीक्यूटिव में कल को जाके जो अपने ऑफिस में आप उस सिस्टम को यूज करते हैं, तो वहाँ से फिर मैं आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा। और हार्डवेयर के अंदर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हार्डवेयर है, अभी थोड़ी सी डिटेल लंबी हो जाएगी, वैसे इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन इन्होंने अपने पेपर में दी हुई है, पेपर भी छोटा नहीं है, जिसकी वजह से मैंने आपसे शुरू में मौजत की थी कि जैसा कि मैडम ने इसको इंक्लूड कर दिया फाइनल एग्जामिनेशन में, तो ये तकरीबन कोई 20-25-30 पेजेस का ये पेपर था, तो वहाँ पे आपको ना ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इस डायग्राम की ना। फिर भी कोई इशू हुआ तो पेपर पढ़ लें, लेटर ऑन किसी और की प्रेजेंटेशन में के बाद हम एक क्वेश्चन आंसर का 15 मिनट का सेशन अलग से अगर मैम अलाउ करें तो रख लेंगे, लेकिन उसमें आपको पहले बताना पड़ेगा ताकि मैं भी पढ़ के आऊँ पेपर, क्योंकि थोड़े दिनों बाद फिर बंदा भूल जाता है सारी चीज़ें। आपने पेपर शेयर कर दिया फैसल, पेपर हमें पे भी शेयर कर दें, किस पे शेयर कर, यस वो क्योंकि यहां पे है तो आप यहां पे चैट से भेज दें सबको। चले मैं अभी इसके नहीं तो ये व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हैं। जी मैम, अदरवाइज मैं कह रहा था शायद मैंने इसलिए नहीं किया कि आपको मैंने भेजा हुआ था ना, वो आप शायद जीसीआर पे अपलोड कर देते। हाँ, जीसीआर पे तो करना ही है, वो तो करना ही है। जी बिल्कुल, मैं अदरवाइज मैं ग्रुप पे भी भेज दूंगा आफ्टर आपके लेक्चर के ना। हाँ, आफ्टर दिस। तो इसके अंदर ना ये 6-8 मॉडल डिस्कस हुए हैं, इन मॉडल्स की बेस पे अटैक को बनाया जाता है, उनमें इन डेटा सेट को यूज किया जाता है, देन उसके ऊपर आईडीएस को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरे पूरे मॉडल्स हैं और इसके ऊपर आप यूं समझ लें कि ये पीएचडी लेवल के पेपर आप इसको समझ लें, ये वाले जो जो मॉडल्स दिए हुए हैं। ठीक है,
इन मॉडल्स को फिर यूज करते हैं, जिस तरह मार्कोव मॉडल आजकल मैंने देखा है काफी सारे पेपर में मेरे सामने आया है वो यूज हो रहा होता है, इसी तरह अटैक ट्री जो है नेटवर्क ग्राफ अटैक ग्राफ ये जो है, ये दो मॉडल भी काफी सारे पेपर में रेफर हो रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं लिटरेचर के अंदर, और इनको यूज करते हुए आप एक अटैक का पूरा पैटर्न डिजाइन करते हैं, उस डिजाइन को कैसे आपने बनाना है वो इन पेपर्स में अटैक चेन मॉडल, अटैक ट्री मॉडल, अटैक पिरामिड, इनमें वो डिफाइन किया हुआ है। तो अब जो हमारा टारगेट है वो क्या है, इस वक्त हम एक लेवल पीछे काम कर रहे हैं। एक होता है ना एंटीवायरस, तो हम एंटीवायरस एक्चुअली बनाने के बाद उसको ट्रेन करने के ऊपर काम कर रहे हैं कि आपने एंटीवायरस को ट्रेन कैसे करना है, या जो आईडीएस है उसको ट्रेन कैसे करना है कि वो किसी सस्पिशियस एक्टिविटी को पकड़ने में अहम किरदार अदा कर पाए। ऐसे लग रही है इन सारे मॉडल्स के नाम मेंशन करने के बजाय कि वन लाइन डिस्क्रिप्शन भी अगर आप दे देते तो वो ज्यादा बेहतर होता। कोई वॉलंटियर करना चाहता है कि जो नेक्स्ट क्लास है उसमें किसी एक मॉडल को अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू डू इट। कोई भी नहीं है। और अब अगर मैं ये अब अनाउंस कर दूं कि एक वन बोनस मार्क होगा जो जो करेगा, अब भी कोई हैंड रेज नहीं होगा। मैम ये वैसे बताया कि yes, ma'am, फिर सही। मुझे पता था सबसे पहले वकास नहीं हैंड रेज करना है। अच्छा ये सबके लिए ओपन है, तो जो भी लोग इस पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने मिड टर्म के मार्क्स देख लिए होंगे जो कि अच्छे नहीं है, तो कोई भी एक मॉडल इसमें से पिक करें और उसकी उसकी इसको एक्सप्लेन करें, स्लाइड्स के थ्रू करें या वैसे करें, और उसकी रिकॉर्डिंग बनाएं, मतलब 5 मिनट्स, विदिन 5 मिनट्स आपने उसको एक्सप्लेन करना है, एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी। ये इसका मैं एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर दूंगी, तो जो ये सबमिट कराएगा, और वो ऐसे सबमिट कराएगा कि उसे समझ भी आ रहा होगा, तो उसको फिर वन बोनस मार्क में मिड टर्म के मार्क्स में ऐड कर। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब आपके पास वो डेटा सेट भी आ गया और आपके पास वो अटैक मॉडल भी आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं उस डेटा सेट को किस अटैक मॉडल के अगेंस्ट प्ले करूंगा और देन अपने आईडीएस को ट्रेन करूंगा, तो देन आप क्या करते हैं कि अब आपका जो डेटा सेट होता है उसमें बेतहाशा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि इसमें TCP के 100,000 पैकेट हैं और UDP के 50,000 पैकेट हैं और वगैरह वगैरह। ड्यूरेशन आ रही होगी कि ये 10 दिन का है, 15 दिन का है। टाइम स्टैम्प्स आ रही होंगी, नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द पैकेट आ रहे होंगे, फीचर ऑफ द ट्रैफिक आ रहे होंगे कि लाइक किस किस सर्विस की ट्रैफिक है, किस किस IP पे जा रही है, किस किस सॉरी पोर्ट पे जा रही है, ठीक है। और इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अगर लॉग से आ रही है, फेल्ड लॉगिन के लॉग्स कितने हैं, गेस्ट लॉगिन के लॉग्स कितने हैं, ठीक, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है उस डेटा सेट के अंदर, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है इन्होंने कि ये जो डेटा सेट है आप देखें कि ये जो पहला डेटा सेट है KDD99, इसके सबसे आखिरी वाला कॉलम देखें, इसके अंदर 41 फीचर्स हैं इस डेटा सेट के अंदर, जो बेसिकली डेटा दिया हुआ है उसके अगेंस्ट आपको 41 फीचर्स मिलते हैं। उन 41 फीचर में से आप कितने यूज करते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। सबसे आखिर वाले को देखें, उसका सबसे आखिरी कॉलम देखें, अब देखें उसके अंदर 80 फीचर्स हैं, और ये 80 फीचर्स मतलब आपके लिए सारे के सारे यूजफुल नहीं होंगे ना, ठीक है। मतलब हो सकता है उसमें से सिर्फ IPs में इंटरेस्टेड हों कि कितने यूनिक IPs से डाटा जनरेट हुआ है, तो अब वो जो बाकी के फीचर हैं कि कितनी ड्यूरेशन थी, टाइम स्टैम्प क्या थी, ये क्या था, वो क्या था, वो आपके लिए मे बी आपके सिनेरियो में यूजलेस हो जाए। डाटा सेट तो एक ओवरऑल बना होता है ना, ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं उसकी थोड़ी सी सफाई सुथराई करते हैं, उसको फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, पहला एक तरीका है कि आप फीचर सिलेक्शन कर दें, ठीक है। आप कहें जी मुझे इन 80 फीचर में से या 41 फीचर में से जो मेरा टारगेट है, मैं IDS को जिस हवाले से ट्रेन कर रहा हूँ, मुझे इसमें से सिर्फ 6 फीचर्स चाहिए, ठीक है। आप उसमें से वो 6 चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी के कॉलम्स उड़ा के उसके ऊपर अपने जो भी आपने वो जो अटैक ट्री का वो मॉडल सेलेक्ट किया था उसको फिर आप उस पर रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी डायमेंशन आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फैसल, इसमें ये एक मेरे ख्याल है आपकी टाइपो मिस्टेक है, ये जो आपने कोड ऑफ डायमेंशनलिटी लिखा है ना, कौन सी लाइन में मैम? हाँ ये फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, टू एलिवेट द इफेक्ट ऑफ कोर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, नहीं होता कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी होता है। जी मैम बिल्कुल ठीक है, वो मैं देख लूंगा इसको, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेरे ख्याल आपने खुद उसको फिर या तो ऑटो करेक्ट कर लिया होगा,
कट्स ऑफ डायमेंशनैलिटी होता है कि आपकी जो नंबर ऑफ डायमेंशन ज्यादा होती हैं तो योर एल्गोरिथम टेक्स लॉन्गर टू डिटेक्ट टाइम. बिल्कुल ठीक है, ठीक है. इसको कट्स ऑफ डायमेंशनैलिटी की टर्म यूज होती है. जी मैम, मैं इसको भी एडिट करूंगा, करेक्ट करके फिर आपको मुझे स्लाइड्स भेजेंगे. जी थैंक यू सो मच मैम फॉर करेक्टिंग. तो अब आप ना इसके ऊपर ही डिफरेंट तरह की अप्रोचेस हैं. रैपर अप्रोच है, फिल्टर्स लगा देते हैं, एम्बेडेड सिलेक्शन ड्यूरिंग ट्रेनिंग है. अब ये भी पूरी पूरी मैं बता रहा हूँ कि ये जो पेपर है इसके अंदर ये बड़ी खासियत थी अच्छी, इसके अंदर मतलब इसके अंदर जो पेपर्स हैं ना वो अपनी अपनी जगह पूरे पूरे ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक्स हैं जिनको आप किसी भी मुकाम पर यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह के मुख्तलिफ तरह के मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए या तो फीचर सिलेक्शन वाली साइड पर जाते हैं या डायमेंशन रिडक्शन वाली साइड पर जाते हैं डाटा सेट की. तो इस तरह से मतलब आप ना ये वाली टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं इस मकसद के लिए. इसके बाद उनकी एक समराइज किस्म का टेबल दिया हुआ है, ये भी मैंने आपका शेयर कर दिया. अभी मैं इसको सिर्फ स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये पढ़ना है पेपर भी और साथ ही वहाँ से आपको ये टेबल भी मिल जाएगा. अभी हमारे पास चूँकि टाइम कम है, हमारी रेगुलर क्लास का टाइम होना है. अच्छा, उसके बाद इसी तरह से ये वो डाटा सेट्स हैं जिनको फिर मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया गया है. इसके अंदर आ रहा है डाटा सेट का नाम आ रहा है. उसके बाद ये बता रहा है कि ये फुली सपोर्ट कर रहा है या पार्शली सपोर्ट कर रहा है किसी एपीटी के केस को. ठीक है, यानी कि इसका मकसद ये है कि हो सकता है कि ये किसी नेटवर्क के हवाले से डाटा सेट क्रिएट किया गया हो और उसको उन्होंने एपीटी की डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर लिया. तो क्या ये एपीटी की डिटेक्शन के लिए फुली ये मॉडल यूज हो सकता है या ये पार्शली यूज हो सकता है? तो इस हवाले से उन्होंने इनको कैटेगराइज किया हुआ है स्टडी करने के बाद. आ रहे हैं अगले वाले जो दो कॉलम्स हैं कि ये मॉडल सिंथेटिक डेटा पे बेस कर रहा है या सेमी सिंथेटिक डेटा पे बेस कर रहा है. तो आप देख रहे हैं कि सिंथेटिक डेटा पे कोई भी नहीं है, सेमी सिंथेटिक डेटा के ऊपर नॉर्मली ये सब के सब तकरीबन बेस कर रहे हैं. उसके बाद इनकी इनपुट टाइप क्या है, इसमें लॉग्स जो कंप्यूटर के लॉग्स या जो इवेंट्स होते हैं उनके लॉग्स का ये डाटा है या नेटवर्क की ट्रैफिक का डाटा है इनपुट टाइप में ना. तो कुछ ऐसे होंगे जिनमें लॉग्स भी शामिल है उस डेटा सेट में और नेटवर्क की ट्रैफिक उसके अगेंस्ट जो पैकेट्स का जो डाटा है वो भी शामिल है. कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ लॉग्स का डाटा अपने अंदर रखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नेटवर्क का डाटा रखते हैं. तो जो आपको पता है आईडीएस होता है वो नेटवर्क की ट्रैफिक को भी मॉनिटर कर रहा होता है और आपके जो कंप्यूटर्स हैं होस्ट हैं उनकी जो लॉगिंग हो रही होती है उसको भी नज़र में रखता है. इस तरह के उल्टे सीधे इवेंट तो जनरेट नहीं हो सकते जो कि किसी अटैक का पेश खैमा साबित हो रहे हों. ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग की ड्यूरेशन कितनी है और इसके अंदर फीचर्स कितने हैं, तो ये डिटेल बता रहा है इन सारे डेटा सेट की जो कि आप अपने लेटर ऑन से रिसर्चेस में इस्तेमाल कर सकते हैं एपीटी की डिटेक्शन के हवाले से. और वो जो पिछला वाला था वो था नेटवर्क के केस में. ये वाला जो टेबल है ये शो कर रहा है कि कौन कौन से डेटा सेट ऐसे हैं जो साइबर फिजिकल सिस्टम के केस में आपको मिलते हैं और इसमें वो बता रहा है सिनेरियो में कि ये किस प्लांट से या किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री से डेटा सेट लिया गया. जिस तरह के पहला वाला जो है कैपर एंड वैन वाला ये वाटर प्लांट के डाटा सेट, मतलब डाटा सेट ये है किसी वाटर प्लांट जो फंक्शन करता है. वाटर प्लांट होते हैं बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जो कि पूरे शहर की वाटर सप्लाई को कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट वाला गैस पाइपलाइन का है, फिर इसी तरह से आगे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम का है, फिर उसके बाद स्मार्ट ग्रिड का आता है. फिर वो बता रहे हैं कि इसमें जो डाटा है, अब ये जो मॉडबस है, S7 है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बेसिकली वो इंडस्ट्रियल नेटवर्क की समझ लें कि डेफिनेशन या जिस तरह हमारे यहाँ होता है TCP का डाटा है, इसके अंदर UDP का डाटा है. तो वैसे वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो मॉडबस के ऊपर हो रहा होता है या S7 सिमेंस का एक सिस्टम है, उसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है S7 प्रोटोकॉल, उसको यूज़ करते हुए ये चल रहा होता है. तो ये बताया गया कि ये किस तरह का डाटा, किस टाइप का डाटा है, जिस तरह TCP UDP आप इसको समझ लें, CPS की साइबर फिजिकल सिस्टम की, ये रियल है, सेंसिटिक है या सेमी सेंसिटिक है और ये पब्लिकली अवेलेबल है कि नहीं. यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये इन्होंने बात बताई हुई है कि कुछ डेटा सेट इस तरह के होते हैं कि वो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के इस टाइप के कि वो आपको पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे, या तो आपको उन रिसर्चर से रिक्वेस्ट करके लेने पड़ेंगे या उसके अगेंस्ट आपको कोई NDA उनके साथ साइन करना पड़ेगा या आप उसको मजीद पब्लिक नहीं करेंगे. तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन भी साइबर फिजिकल सिस्टम के केस में आ रही होती है और एंड में इसकी ड्यूरेशन दी हुई है कि ये कितनी ड्यूरेशन का इसके अंदर डेटा उन्होंने फीडअप किया हुआ है. तो इसकी कंक्लूजन जो है, ये जो पेपर है ये बेसिकली एपीटी के अटैक की डिटेक्शन की आइडियाज को जो आपने ट्रेनिंग करवानी होती है उसके जो डेटा सेट्स हैं ताकि आप लेटर ऑन उसके अगेंस्ट डेटा सेट के अगेंस्ट अपने आइडियाज को ट्रेन करके ऑटोमेटेड
डिटेक्शन को पॉसिबल बना सके एपीटी की, उसको इसने फुली डिस्कस किया है कि किस तरह के डेटा सेट अवेलेबल हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेसिकली आपको बिल्कुल जीरो से लेके चलता है कि जिसको बिल्कुल थोड़ा सा इन चीज़ों के हवाले से आइडिया नहीं है, उसके वाले से पहले एक्सप्लेन करता है कि अटैक्स होते क्या हैं, कौन कौन से मेजर अटैक्स हैं, कौन कौन से डेटा सेट अवेलेबल हैं, डेटा सेट के फीचर्स क्या होते हैं, उनकी फीचर रिडक्शन कैसे की जाती है, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है, रियलिस्टिक है, वगैरह वगैरह। और देन फिर जो अवेलेबल डेटा सेट हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, उनको कंपेयर किया है इसने। और उसके बाद फिर आपके वो जो अटैक के लाइफ साइकिल के मॉडल्स होते हैं जो जो इस वक्त करंटली लिटरेचर में अवेलेबल हैं, उनको इसने डिस्कस करने के बाद, यानी कि एक रिव्यू पेपर था, तो इससे जो करंटली अवेलेबल चीज़ें होती हैं उनको रिव्यू करके आपके सामने एक समराइज फॉर्म में, जो कि 20-25 सफ़ों की समराइज फॉर्म है, उसमें उसने पेश कर दिया। तो मैम यहाँ पर मैं एंड करता हूँ अपने लेक्चर का, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो हाजिर हूँ। अच्छा, इसमें सॉरी एक चीज़ मिस हो गई थी, अच्छा वो बल्कि मैंने नेक्स्ट कर दिया जी, वो ये थी कि इसमें जो इश्यूज हैं मेजर, वो सबसे पहली बात तो ये कि प्राइवेसी ऑफ द डाटा की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी नेटवर्क का डाटा कैप्चर कर रहा हूँ तो उसमें ज़ाहिर है उसके यूज़र की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी ना, एक तो जनरल अटैक्स हैं, उसके अलावा ये भी होगा कि लाइक मेरा कोई डाटा जा रहा है, मे बी उसमें मैंने लॉगिन किया हो, मेरे यूज़र नेम पासवर्ड को इस तरह की चीज़ जा रही हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि आपके डाटा ओनर्स हैं उनके जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं उसको कैसे उसके अंदर हैंडल किया जाएगा। उसके बाद अगर आपका डाटा सेट जो है वो बड़े साइज़ का है तो उसकी हैंडलिंग, जिस तरह हम बात करते हैं जैसे कि वो बिग डाटा में आ जाता है, और बिग डाटा को आपने स्टोर कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है। उसके बाद जो लाइफ साइकिल ऑफ द अटैक है उसमें ये बड़ा इशू है कि आपका एक अटैक ज़रा सा अपना बिहेवियर चेंज करे एपीटी का, तो आपकी वो जो पिछली सारी मेहनत होती है वो अकारत हो जाती है, और ऑटोमेटिकली आपको फिर नए सिरे से अपने डेटा सेट को ट्रेन, अपने सॉरी आईडीएस को ट्रेन करना पड़ता है नई पैटर्न ऑफ द अटैक के मुताबिक। तो ये बड़े मेजर चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से एपीटी को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब जो एक जिसको आप कह सकें कि ऑटोमेटेड है, हर तरह की एपीटी को डिटेक्ट कर लेगा, जो नोन है उनको भी और जो अननोन है उनको भी, ये चीज़ अभी तक एक चैलेंज बनी हुई है रिसर्चर्स के लिए। तो इस तरह से मतलब अब फिर दूसरी बात ये होती है कि चूंकि अटैक पैटर्न का आपको बाद में पता चलता है जब काम हो चुका होता है, अब आप के पास एक ही चॉइस रह जाती है कि आप सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक डाटा के ऊपर जाएं, क्योंकि एक्चुअल डाटा सेट तो आप उस वक्त गेन कर सकते हैं ना, या आपने किसी नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक कैप्चरिंग लगाई भी है और 3 महीने बाद आपको पता चलता है कि 2 महीने पहले किसी ने एपीटी का हमारे पे अटैक किया था। अब आप क्या करें कि अपने पिछले 2 महीने के डाटा को ले लें एज ए डाटा सेट और उसमें आप देख लें कि वो ईपीटी ने कैसे अटैक किया था, तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। होता है कि जब आप अटैक हो चुका होता है तब आपको पता चलता है, जब आपको पता चलता है तो सबसे पहले आप उस अटैक को प्रिवेंट करवाते हैं और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। जब आप प्रिवेंट करवा देते हैं तो अब चूंकि अटैक खत्म हो चुका होता है, तो अब आप अगर नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर भी करें रियल वाली, उसमें वो अटैक नहीं आ रहा होता क्योंकि वो ऑलरेडी आप प्रिवेंटिव मेजर लगा के उसको खत्म कर चुके होते हैं। इसलिए इसके ऊपर रियलिस्टिक डाटा की अवेलेबिलिटी तो वैसे ही एक इशू है। सिंथेटिक डाटा बनाना जो है वो डायरेक्ट उतने एडवांस लेवल का, जितने एडवांस लेवल से अटैकर ने अटैक किया था उतने एडवांस लेवल की सिमुलेशन क्रिएट करना एक नया चैलेंज बन जाता है कि किस तरह से आप वो पूरा सिनेरियो प्रेजेंट करें और देन उस ट्रैफिक को कैप्चर करें सिमुलेशन में और देन उसके बेस पे अपना जो आइडिया है वो ट्रेन करें। तो इस तरह के इशूज हैं आपको सामने फेस हो रहे होते हैं। तो एंड में जो इस पेपर का वे फॉरवर्ड था वो था कि रियलिस्टिक डाटा सेट जो हैं वो नेक्स्ट टाइम मतलब क्रिएट किए जाएँ जिसके अंदर थोड़ा सा टाइम पीरियड भी जो है ना वो बड़ा हो, क्योंकि एपीटी की ये भी खासियत होती है कि वो बड़ा स्लोली प्रोसीड करता है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम के ऊपर मबनी रियलिस्टिक डाटा सेट की क्रिएशन, ये एक चैलेंज या एक नया वे फॉरवर्ड है जिसके ऊपर मतलब मजीद काम किया जा सकता है। उसके बाद जो वो बड़ा टाइम पीरियड का डाटा होगा तो उसकी बिग डाटा की प्रोसेसिंग एनालिसिस के लिए वो कैसे की जाए, ये एक चैलेंज है जिसके ऊपर फर्दर रिसर्च की जा सकती है। उसके बाद इफेक्टिविटी को कम्प्रोमाइज़ किए बगैर फीचर सेट की रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, ये एक लाइक नया एक रिसर्च एरिया है जिसके ऊपर काम हो सकता है। फिर डेटा सेट की फीचर इन्हेंसमेंट, यानी कि आप उस डेटा सेट को समराइज करके मजीद यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके एक नया डेटा सेट कैसे उसमें से निकाल सकते हैं, वो एक चैलेंजिंग फर्दर रिसर्च एरिया हो सकता है। और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ द डेटा सेट जिससे आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट भी आपको गेन हो जाए विदाउट कम्प्रोमाइजिंग द रेशियो ऑफ क्या होता है सक्सेस फेलियर, वो एक चैलेंज एरिया हो सकता है जिसके ऊपर मतलब फर्दर रिसर्च हो सकती है। तो ये था जी एक इस पेपर का
दरमियाना सा रिव्यू, ना छोटा ना बड़ा। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपके जहन में आ रहा है तो आप जल्दी से कर लें, अदरवाइज मैं मैम फिर इंटरवेंट करेंगे। फैसल पहले तो आप ये बताएं, सबसे लास्ट वाली लाइन आपकी थी जिसमें आपने कहा है सिलेक्शन बेस्ट, लास्ट स्लाइड पे पहले तो ये बताएं सिलेक्शन ऑफ बेस्ट फीचर्स फॉर डेटा सेट, बेस्ट फीचर आप किसे कह रहे हैं कहेंगे, मतलब इस पेपर में आपने कहा है बेस्ट फीचर, तो व्हाट डू यू थिंक व्हिच फीचर्स आर कंसीडर्ड बेस्ट? जी मैम ये मेरा आपसे क्वेश्चन, जैसा कि बिल्कुल असाइनमेंट थी ना तो इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूं। जी मैम इस तरह है ना कि जो फीचर है, फॉर एग्जांपल अब मैं डेटा सेट मेरे पास है जिसके अंदर नेटवर्क का डेटा है, अब उसमें नंबर ऑफ पैकेट्स भी आ रहे हैं, पैकेट साइज भी आ रहा है, आईपी एड्रेसेस भी आ रही है, पोर्ट भी आ रही है, तो हर एक अगेंस्ट 40-50 कॉलम आ रहे हैं हर रो के अंदर ना। अब डिपेंडिंग अपॉन माई सिनेरियो एंड द मॉडल आई सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग ऑफ द डेटा सेट, वो जो टैग मॉडल्स हमने काफ़ी सारे देखे थे, अब मैं उसमें क्या देखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कई बार ये होता है कि डाटा एक्सेलरेट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो DNS के पैकेट्स के अंदर, अब DNS की वैसे क्यों नहीं होती है, उसमें सिर्फ उसको भेजते हैं कि मेरा URL ये है, उसके जवाब में आपको मिल जाता है उस साइट का IP एड्रेस ना। अब इसको DNS को भी यूज किया गया डाटा को एक्सेलरेट करने के लिए आउट ऑफ द नेटवर्क, इसलिए DNS की जो ट्रैफिक होती है उसके ऊपर नॉर्मली कुछ चेक नहीं होता, इसलिए कि वो रिक्वायर्ड होती है, उसके बगैर आपका ये जो आईपी वाला ये जो है नेटवर्क को काम नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसने वो ट्रांसलेशन ऑफ द URL इनटू आईपी करनी होती है। तो अब वो क्या कर रहे थे कि वो बेसिकली DNS क्यूरी भिजवाते थे अपने सर्वर के ऊपर, और उसके जो डेटा वाला पोर्शन होता था ना पैकेट का DNS की क्यूरी का, उसमें वो आईपी की जगह ना वो साथ आगे एम्बेड कर देते थे जो डेटा उन्होंने बाहर भिजवाना होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 MB की फाइल भिजवानी है तो आप 500 किलोबाइट, मतलब एक सिंपल URL लिख दें www.microsoft.com/, आगे वो 500 किलोबाइट अटैच कर दें, वो सेंड कर दें। तो अच्छा, इस तरह के अटैक भी डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन लेकिन ये कि इवैल्यूएट कैसे करते हैं कि ये बेस्ट फीचर है जो कंसीडर करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए? ये ऐसे होगा कि सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आप किस APT के अगेंस्ट IDS को ट्रेन कर रहे हैं। इसमें उन्होंने जो डेटा सेट लिया है, ये जो डेटा सेट को डिस्कस किया है, क्या उसमें ये मालूम है कि जो ट्रेनिंग है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अटैक के लिए हो रही है? नहीं, मैं कहना चाहूंगा, अब होगा ये कि मैं अगर रिसर्चर हूं और मैंने अपना IDS को ट्रेन करना है, तो मैंने वहां से एक अटैक मॉडल सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहां से डेटा सेट भी ले लिया, उस डेटा सेट में मुझे पता है कि ये वाला अटैक ऑब्जर्व हुआ है उस डेटा सेट में, सबसे पहले तो उस डेटा सेट की रिक्वायरमेंट की, तो सबसे पहले तो मैंने डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब उस डेटा सेट में ना ये DNS वाला हम एग्जांपल देते हैं कि DNS वाला अटैक ही डिस्कस हुआ है। अब ऐसी सूरत में क्या हो रहा है कि नंबर एक तो ये है कि मेरे लिए बाकी सारी डिटेल्स किस पोर्ट पे था वगैरह वगैरह ये सब मीनिंगलेस होगी ना, क्योंकि मुझे उसमें से मैंने सबसे पहले तो फिल्टर ये लगाना है कि इसमें से सिर्फ मुझे वोले पैकेट्स निकाल के दिखाओ जो कि DNS की पोर्ट 53 होती है शायद, कुछ लेजिटिमेट होंगे, कुछ वही वाले होंगे जो डेटा बाहर भिजवा रहे हैं, मुझे वहां से उसके बाकी सारे फीचर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि इन 1000 पैकेट्स में से मुझे वो पैकेट बता दो, अगर हम फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि जो नॉर्मल DNS क्यूरी होती है उसके उसके पैकेट का साइज होता है 100 bytes, तो मैं कहता हूँ कि 150 बाइट से ज्यादा साइज जिनका है ना मुझे वो वाले पैकेट इसमें से चाहिए, ठीक है। अब वो जो बाकी की 40 कॉलम है ना वो मेरे लिए यूजलेस हो गए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए कि फ्रॉम IP टू IP, पोर्ट भी इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे पता है 53 होगी, और तीसरी चीज जो मुझे मेरे लिए सिग्निफिकेंट है वो है साइज ऑफ द पैकेट। और इसमें इसमें फैसल ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिलेक्शन है ये यूजर नहीं कर रहा, ये आपके मॉडल्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके जो रिजल्ट्स आते हैं कि DNS जो भी मतलब स्पूफिंग अटैक है उसकी प्रिडिक्शन के लिए ये फीचर्स जो है ना ये आप ये फीचर्स अगर आप पिक करें तो ये बेस्ट प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं तमाम हर टाइप ऑफ अटैक के लिए डिफरेंट टाइप का फीचर सेट आता है। चलिए ये मेरा ख्याल है और दो हैंड रेज्ड है, एक अदनान अहमद का और एक अहमद राजी का, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ लें फिर हम अपने लेक्चर भी हमने करना है, ये सेशन एंड हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर न्यू सेशन में लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके,
पहले तो मैं फैसल साहब की तारीफ करूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन बनाई है और बाकी सबके लिए टफ टारगेट सेट कर लिया. सेकंड द क्वेश्चन इज बेसिकली जो एपीटी ओवरऑल द प्रेजेंटेशन वाज रिलेटेड टू एपीटी एज अ थ्रेट एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग ही वुड एक्सप्लेन समथिंग और ही वुड रिलेटेड विद द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. एपीटी के थ्रेट्स को फॉरेंसिक के अंदर हम किस तरीके से हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं क्योंकि इनके डायनेमिक नेचर है तो एज अ इन्वेस्टिगेटर उसको क्या चैलेंजेस आते हैं तो क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं किसी तरीके से. इसको तो रिलेट इसलिए नहीं कर सकते ना कि इसकी जो टारगेट है वही डिफरेंट था. देखिए इसका मकसद ये था कि बेसिकली फोरेंसिक्स के बाद की ये बात है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये वाली. देखिए फोरेंसिक वाला जो बंदा है ना वो क्या करेगा, आपका किसी जगह पे एपीटी अटैक हुआ, आप वहाँ गए, आपने फोरेंसिक्स की, आपने पूरी डिटेल निकाल के बता दी भाई को कि ये मेरी रिपोर्ट है, ये अटैक ऐसे हुआ था, इसने फलां तरह से आपको फलां वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया था, इस तरह से अपना फुट होल्ड बनाया था, उसके बाद ऐसे ऐसे प्रोसीड हुआ था. ठीक है, अब आपके पास वो सारा पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक एपीटी आ गया फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट की फॉर्म में. अब आप क्या करेंगे कि चलो यार पिछली बार तो अटैक हो गया, अभी जो मैंने इसके अंदर कोई भी अपना सीम या आईडिया से डिप्लॉय किया हुआ है अपने नेटवर्क के ऊपर, मैं इसको इस काबिल बनाऊं कि वो अगली बार अगर कोई बंदा ये वाला एपीटी अटैक करने की कोशिश करे तो ये उसको डिटेक्ट कर ले, या इससे रिलेटेड जितने भी इस तरह के पैटर्न के ऊपर अटैक होना उनको ये डिटेक्ट कर ले. कौन? हमारा आईडीएस. ठीक है, तो ये आपका ये वाला जो एक्टिविटी होगी ये पोस्ट फोरेंसिक ये वाला काम होगा कि अब आपको पता चल गया कि वो अटैक का पैटर्न क्या था, अब उस पैटर्न की बेस के ऊपर आप डेटा सेट्स बनाएंगे या ऑलरेडी अवेलेबल डेटा सेट्स में वो पैटर्न इंजेक्ट करके उसके ऊपर अपने करंट आइडियाज को ट्रेन करेंगे ताकि वो आइडियाज अगली बार ऑटोमेटिकली इस तरह के पैटर्न की ट्रैफिक को वो वाला अटैक कंसिडर करते हुए उसको पकड़ ले, अलर्ट कर दे, रोक ले, जो भी कर ले. तो ये काम फोरेंसिक के बाद वाला काम है. ये यूं समझ लें कि जैसे एक वायरस बनाने वाला वायरस बनाता है, वो आपके कंप्यूटर में भेजता है, तो शुरू में चूंकि एंटीवायरस में उसका सिग्नेचर नहीं होता तो वो आपके कंप्यूटर में तबाही भर फैला देता है. फिर एंटीवायरस कंपनीज क्या करती हैं, उस सॉफ्टवेयर को, उस मलिशियस वायरस को देख के एक सिग्नेचर बनाती हैं. ठीक है, और वो सिग्नेचर आपकी डेफिनेशन में भिजवा देती हैं ताकि अगली बार आपका एंटीवायरस उस वायरस को पकड़ सके. तो एक्चुअली जो एंटीवायरस में सिग्नेचर बनाने वाला काम होता है ना वो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है. अच्छा, इसमें मैं ऐड करूंगी कुछ के ये तो बात ठीक है कि जब आपका सिस्टम अंडर अटैक होता है और कोई क्राइम हो गया या उसके बाद आपके फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की जरूरत पड़ती है, और इन्वेस्टिगेटर जब आपके फॉर एग्जांपल तमाम नेटवर्क आपका अंडर अटैक था, वो तमाम हार्ड डिस्क आई है इन्वेस्टिगेटर के पास, और हार्ड डिस्क में ऑब्वियसली हर तरह का डाटा जब ओएस ने रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें नेटवर्क ट्रैफिक का डाटा भी, जो भी ओपन पोर्ट्स थी, जो पैकेट्स थे, जो रैम में थे या डिस्क पे, जो भी मतलब लाइव कैप्चर भी अगर किया हमने तो वो तमाम चीजें आ गई. तो उससे हम ये तो आइडेंटिफाई करते हैं कि इस टाइप का अटैक जो है वो हुआ था और ये अटैकर की अप्रोच थी, जिस तरह से उसने फॉर एग्जांपल एक बॉटनेट अटैक था या कोई रैनसमवेयर था, हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस टाइप का अटैक था और कैसे परफॉर्म हुआ. लेकिन जो